नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 9 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज भाग एक, उसके गद्यखंड का अध्याय तीसरा, श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखित उपभोक्तावाद की संस्कृति। कल हमने इसमें अध्ययन किया था कि एक छोटी सी जो चीज़ है उसका विज्ञापन जो है वह कितना अधिक आकर्षक रहता है, और हर कोई जो है दिखावटी जो प्रवृत्ति है, दिखावे की जो प्रवृत्ति है उसकी ओर अत्यंत आकर्षित रहता है। तो इसमें कहा है कि जो पुरुष वर्ग है वह भी इससे अछूता नहीं है। पहले तो बताया था कि जो महिलाएं हैं वे इस पे सौंदर्य प्रसाधनों पर ज़्यादा खर्च करती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि जो पुरुष वर्ग है वो भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहा है। और पहले जो उनका काम तेल और साबुन से चल जाता था, लेकिन आजकल आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आ गए हैं। अब तो इस सूची के अंदर जो हैं दर्जन दो दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। तो ये हमने अध्ययन किया था भाग एक के अंतर्गत। आज हम भाग दो के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से जो विज्ञापन है या जो सामग्री है हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, और उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो बढ़ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम भाग दो के अंतर्गत। तो लेखक कहता है कि छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब वो कहते हैं कि सामग्री वगैरह छोड़िए, जो भी है वस्तु और परिधान है ना, जो कपड़े हैं, तो उसकी दुनिया में चलते हैं। अपने जगह जगह बूटीक खुल गई हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। अब बूटीक मतलब जहाँ वस्त्र कपड़े वगैरह जो है ना उन पे डिजाइनिंग वगैरह की जाती है, कढ़ाई वगैरह की जाती है। तो ऐसी बूटीक खुल गई हैं और नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं, यानी कि उस समय का ट्रेड है और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, अब देखिए पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, देखिए आगे इस वर्ष के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि क्या परिवर्तन आया है। तो देखिए लेखक क्या कहता है कि शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। अब देखिए घड़ी जो है वो पहले भी समय दिखाती थी और अब भी समय दिखा रही है। अब लेखक कहते हैं कि अगर सिर्फ हमने समय ही देखना है तो 400-500 रुपये में मिल जाएगी, तो हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से 1-1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। अब देखिए हैसियत कि आप कितने अधिक अमीर हैं, आपके पास में कितना अधिक पैसा है। दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं वे 50-60 हज़ार रुपये से लेकर 1-1.5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ यो हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि संगीत की चाहे समझ है चाहे नहीं है, लेकिन कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। और देखिए लेखक कहते हैं कि अगर आपको ठीक से चलाना भी नहीं आता तो भी आप उसको खरीद सकते हैं ना। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। अब देखिए हर प्रकार से जो उपयोग की वस्तु है तो उसमें जो दिखावटीपन है उसकी ओर इशारा करते हुए लेखक कहते हैं कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदें वो अच्छा है, लेकिन महज दिखावे के लिए खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। अब देखिए जो अस्पताल हैं, जो हॉस्पिटल हैं, वे भी अब 5 सितारा बन गए हैं, होटल तो थे ही पहले। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधा है और इलाज के अतिरिक्त जो अनुभव है यहाँ का वो भी काफ़ी समय तक चर्चा का विषय ही रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन जाए। अब देखिए किस प्रकार से लेखक जो है कहते हैं कि 5 सितारा होटल थे पहले, लेकिन अब जो अस्पताल हैं वो भी बन गए हैं 5 सितारा, तो आने वाले समय में हो सकता है कि 5 सितारा स्कूल बन जाएँ, कॉलेज बन जाएँ और यूनिवर्सिटी बन जाएँ। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। अब देखिए अमेरिका और यूरोप के अंदर जो है ऐसी व्यवस्था हो चुकी है, स्थिति आ चुकी है
कि मरने से पहले ही व्यक्ति अपना अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम जो है, यानी कि आपकी जो कब्र वगैरह कह सकते हैं अपनी, तो उसका प्रबंध कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ताबूत में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं, ईसाई लोग ज़्यादा हैं, ताबूत में अपने लिए ताबूत वगैरह खरीद लेते हैं पहले ही। वो आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फुवारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। अब देखिए किस प्रकार से आप अपने कब्र के पास में व्यवस्था भी करवा सकते हैं, मरने के बाद भी आपके वो चलता रहेगा। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। अब लेखक कहते हैं कि जो अमेरिका में आज हो रहा है वह हो सकता है कल भारत में भी आ जाए। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हों। अब लेखक कहते हैं कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप हो सकते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हों। यह एक है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। अब एक छोटी सी झलक बताई है। अब इसमें अमेरिका और यूरोप का उदाहरण दिया है कि वहाँ के जो लोग हैं वो मरने से पहले ही जो है अपना अंतिम संस्कार करवाते हैं और अनंत जो स्थान है वो भी वहाँ पे रिजर्व करवा लेते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण दिया है उपभोक्तावादी समाज का। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब देखिए लेखक कहते हैं कि ये विशिष्ट जो जन हैं, जिनके पास में अधिक पैसा है ना, तो ऐसा ही समाज ऐसा करता है, लेकिन जो सामान्य जन है वो भी ललचाई निगाहों से उन्हें देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। तो लेखक कहते हैं कि उनकी दृष्टि में, उनके दृष्टिकोण में, उनकी नज़र में एक ही विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी, कि यही आपकी चॉइस जो है अच्छी है, सही है, आपने जो आपको जो चाहिए वह सही है। अब देखिए इसमें अलग अलग विज्ञापनों के लिए चित्र दिए गए हैं, दंत मंजन का दे रखा है, साबुन का दे रखा है ना, तेल का दे रखा है, और शीतल जल दे रखा है, जो ठंडा पानी है, बिस्किट वगैरह दे रखे हैं। तो इसमें भ्रामकतापूर्ण जो बताया गया इसमें, अब देखिए यहाँ पे सुपर ऑफर लिखा हुआ है, बिस्कुट के पास में लिखा हुआ है केक के साथ एक फ्री है। तो इस प्रकार से जो हर प्रकार से आकर्षित करने का जो प्रयास है वो किया जाता है, और जो उपभोक्ता है वह उसकी ओर आकर्षित भी होता है, और जितना अधिक विज्ञापन होगा तो लोग उतना ही उसको खरीदते हैं, चाहे उसका स्तर निम्न ही क्यों ना हो, गुणवत्ता ही नहीं क्यों ना हो, लेकिन विज्ञापन जो है वो सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं। अब ये तो ऊपर जो लेखक ने बताया है वो तो सामान्य पक्ष था, लेकिन अब गंभीर पक्ष क्या हो सकता है, इसका गंभीरता क्या हो सकती है इसमें। तो इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। और देखिए लेखक के मन में ये सवाल उठ रहा है, और वह सवाल वो हमसे भी पूछ रहे हैं, जो प्रश्न है वो हमसे पूछता है कि यह जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसका विकास भारत में क्यों हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, तो देखिए इसका कुछ उपाय भी, हल भी बता रहा होगा लेखक जो है कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रही हैं। अब सामंती जो संस्कृति है उसके तत्व भारत में पहले भी थे, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। अब जो उपभोक्तावाद है वो उस संस्कृति से जुड़ा रहा है जो कि सामंती संस्कृति थी। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। अब सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता कहते हैं इज्जत की, हमारी जो सांस्कृतिक इज्जत है कि हमारी जो संस्कृति है वह अत्यंत मूल्यवान है, लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं उनका अवमूल्यन हो रहा है, और जो हमारी आस्थाएं हैं उनका भी क्षरण हो रहा है। अब लेखक कहते हैं कि कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, बौद्धिक का मतलब बुद्धि की, हम चाहे शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो गए हैं लेकिन बौद्धिक दृष्टि से अभी भी हम जो हैं गुलाम हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। अब देखिए पश्चिमी जो देश हैं, ब्रिटेन वगैरह हैं और हैं, है ना, तो पश्चिमी संस्कृति है, तो उसके हम उपनिवेश बन रहे हैं, यानी कि उनके अधीन अभी भी हैं हम बौद्धिक दृष्टि से। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अब देखिए लेखक कहता है जो कटु सत्य है वो बता रहा है कि हमारी ये जो नई संस्कृति है वो अनुकरण की संस्कृति है,
हम दिखावटीपन जो है, जो पिछलग्गूपन जिसको अपने कह सकते हैं, उसको स्वीकार किए हुए हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छदम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि जो आधुनिकता के झूठे प्रतिमान हैं कि यह तो आधुनिकता है, मॉडर्नाइजेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके झूठे जो प्रतिमान है उसको अपना रहे हैं हम, और प्रतिष्ठा की जो अंधी प्रतिस्पर्धा है उसमें अपना है उसे हम खोकर, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, तो उसे हम खोते जा रहे हैं। और एक छदम जो है, छदम यानी कि बनावटी जो आधुनिकता है, उसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं हम। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। अब संस्कृति की जो नियंत्रक शक्तियाँ हैं, क्योंकि संस्कृति जो हमें बांधे हुए थी इतने वर्षों से, तो उसकी जो नियंत्रक शक्तियाँ क्षीण होने के कारण हम दिग्भ्रमित हो गई हैं, यानी कि हमें पता नहीं है कि सही दिशा कौन सी है, सही क्या है, गलत क्या है। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। अब हमारा जो समाज है वो अन्य निर्देशित, यानी कि दूसरे ही निर्देशित कर रहे हैं हमें। तो विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि जो विज्ञापन है और जो प्रसार है उसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अब देखिए, विज्ञापन के बारे में लेखक कहता है कि जो विज्ञापन है और उसका जो प्रसार है कि कितना अधिक उसका अनाउंसमेंट जो हो रहा है, तो वह हमारी मानसिकता बदल रही है और उनमें इतनी अधिक सम्मोहन शक्ति होती है कि वो हमें अपने वश में कर लेती हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। अब देखिए, लेखक के मन में विचार उठ रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी संस्कृति जो है उसका क्या होगा, और यह जो संस्कृति है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो इसके फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। अब देखिए, लेखक कहता है कि जो आलू के चिप्स हैं ना, तो उससे यह नहीं सुधरने वाली है। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, जो शीतल पेय हैं बहुविज्ञापित, यानी कि बहुत सारे विज्ञापन दिए जा रहे हैं शीतल पेय के बारे में, कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, तो ना ही हमारी जो संस्कृति है, जो जीवन की गुणवत्ता है, उससे बढ़ने वाली है। भले ही भी अंतर्राष्ट्रीय हों, अंतर्राष्ट्रीय मतलब प्रत्येक राष्ट्र में उनका प्रचलन क्यों ना हो, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। अब देखिए, पिज्जा और बर्गर जो हैं आज की आधुनिक जो पीढ़ी है, कह सकते हैं अपनी आधुनिक संस्कृति के अनुसार, एक स्टेटस सिंबल माना जा रहा है। हर कोई उसको खाने के लिए लालायित रहता है, लेकिन ये लेखक कहते हैं कि वे कूड़ा खाद्य हैं। कूड़ा खाद्य मतलब इनमें किसी प्रकार का कोई पोषण नहीं है। हमारे जो शरीर को पोषक तत्व चाहिए तो उनमें ऐसा कुछ नहीं है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। अब देखिए, लेखक कहता है कि जो समाज में जो वर्ग हैं उनमें दूरी बढ़ रही है। एक वर्ग अमीर वर्ग और गरीब वर्ग जो है, इनमें दूरियां बढ़ रही हैं, और जो सामाजिक सरोकार हैं तो एक दूसरे से घनिष्ठता जो है वो कम हो रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। अब लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे दिखावटीपन बढ़ते हैं, दिखावटीपन की जो संस्कृति बढ़ती है, तो वैसे वैसे समाज में अशांति भी बढ़ती है और वह बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। अब लेखक कहते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है उसमें तो कमी आ रही है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है उससे भी हम भ्रमित हो रहे हैं, तो उसी से हम पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि हमें विकास करना है, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आना है, ना कि अंधानुकरण करना है किसी का, पिछलग्गू बनना है, लेकिन अभी भी हम बौद्धिक दृष्टि से गुलाम बने हुए हैं। तो लेखक कहते हैं कि विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि जो विराट उद्देश्य था हमारा विकास का, वह पीछे रह गया है, कि स्वतंत्र होने के बाद में हमारा जो देश है विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएगा और हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएंगे,
तो वह उद्देश्य हमारा पीछे रह गया और हम जो झूठा तुष्टिकरण है और तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, जो संतुष्टि कह सकते हैं, अपनी मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। और देखिए मर्यादाएं जो हैं, अब बड़े और छोटे की मर्यादा नहीं रही आधुनिकतावाद के कारण से, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसके कारण से मर्यादाएं टूट रही हैं, और जो नैतिकता है उसके मानदंड भी ढीले पड़ गए हैं। व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। तो लेखक कहता है कि व्यक्ति जो है केंद्रकता बढ़ रही है, अब व्यक्ति को केंद्र किया जा रहा है। पहले समाज केंद्रित होता था, राष्ट्र केंद्रित होता था, लेकिन आजकल व्यक्ति केंद्रित हो गए। सारी जो बात है वो एक व्यक्ति विशेष पर आकर टिक जाती है। पहले लोग परमार्थ की भावना से परिपूर्ण रहते थे, लेकिन आजकल जो स्वार्थ की भावना है वो परमार्थ पर हावी हो रही है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। अब देखिए लेखक हमारे सामने एक प्रश्न छोड़ रहा है कि जो भोग की जो आकांक्षाएं वो आसमान को छू रही हैं, आसमान को छूना मतलब आकांक्षाएं जो बढ़ती ही जा रही हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार से आसमान की तरफ हम बढ़ते हैं तो आसमान हमें ऊपर और ऊपर होता हुआ दिखाई देता है, तो उसी प्रकार से अगर हम एक इच्छा की पूर्ति करते हैं तो हमारी अनेक आकांक्षाएं जो जागृत हो जाती हैं। तो लेखक कहते हैं कि किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। अभी गांधी जी ने क्या कहा था इस विषय में, तो उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है लेखक कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। अब अपनी बुनियाद मतलब जो हमारा धरातल है, जो हमारी संस्कृति है, तो उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हम जो स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, और यही जो उपभोक्तावादी संस्कृति है हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए और यह एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए लेखक कहता है कि यह सबसे बड़ा खतरा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, और यह भविष्य के लिए यानी कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी एक ये बड़ी चुनौती है कि आने वाले समय में जो हमारी भारतीय संस्कृति है क्या वो रह पाएगी या नहीं। तो ये था हमारा अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके कारण से हमारी जो संस्कृति है वो क्षीण हो रही है। तो हमें चाहिए कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति से अलग हटकर हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं तो वे बने रहें, और हम बौद्धिक दृष्टि से किसी के गुलाम नहीं बने। तो यही इस पाठ का, इस अध्याय का मूल भाव है। तो ये था हमारा तीसरा अध्याय जिसका हमने अध्ययन किया है, जो था श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखा गया उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ही धन्यवाद।